अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे और सभी अपनी फैमिलीज़ के साथ बेहद खुश होंगे। तो चलिए जी, आज की हम लोग रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग बनाने वाले हैं बहुत यमी, बहुत ही डिलीशियस और झटपट सी खीर। ठीक है, बहुत ईजी है, ईद पर बनाए या कोई मेहमान आए तो आप तब भी बना सकते हैं। तो चलिए जी, रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जी, हम लोगों ने लेना है दूध। यहाँ मैंने 3 कप मेयरिंग कप्स का इस्तेमाल मैं कर रही हूँ। ठीक है, 3 कप हम लोगों ने दूध लेना है, उबला हुआ दूध है। और आंच हम लोगों ने रखनी है मीडियम टू लो। दूध को हम लोगों ने अच्छे से गर्म कर लेना है। जी व्यूवर्स, यहाँ पे जो दूध है वो अच्छे से गर्म हो चुका है। ऑलमोस्ट 5 मिनट हो गए हैं हमें दूध पकाते हुए। इस पॉइंट पे हम लोगों ने एक प्याली ले लेनी है चावल की। ठीक है, अच्छे से हम लोगों ने उसको वॉश कर लेना है और उसको 1 घंटे के लिए हम लोगों ने भिगो के रख देना है। अब हम लोगों ने जो चावल लिए हैं उसको अच्छे से हम लोगों ने ग्राइंड करना है। यहाँ पे जो चावल है वो मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिए हैं। ठीक है, मोटा मोटा सा हम लोगों ने दरदरा सा इसको पीस लेना है। अब हम लोगों ने इस पिसे हुए चावल को दूध के अंदर शामिल करना है और अच्छे से हम लोगों ने मीडियम टू लो फ्लेम पर ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट के लिए इसको पकाना है। यहाँ पे 20 मिनट्स हो गए थे। ठीक है, हम लोगों ने लेट हटा लेनी है और जो है वो एक दफ़ा अच्छे से चेक कर लेना है खीर को। यहाँ जो खीर थी वो ऑलमोस्ट डन थी। ठीक है, अब बारी आती है इसमें शुगर शामिल करने की। तो यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट 6 से 7 टेबल स्पून्स चीनी के शामिल किए हैं। अगर आप लोगों को नॉर्मल मीठा पसंद है तो इट इज़ मोर देन इनफ। ठीक है, और अगर आप लोग तेज़ मीठा खाते हैं तो आप लोग राउंड अबाउट 10 टेबल स्पून भी कर सकते हैं। अब हम लोगों ने इंतज़ार करना है सिर्फ शुगर के हल होने का। यहाँ पे जो खीर है वो डन है। ठीक है, हम लोगों ने इसको करना है डिश आउट और हमने इसको करना है इंजॉय। ये हमारी डिश की कंप्लीट एंड फाइनल लुक। होपफुली आप लोगों को रेसिपी पसंद आई होगी। हम मिलेंगे इंशाल्लाह मज़ीद नई और इजी रेसिपीज़ के साथ। तब तक मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।